सेम है। तो जो नाम में आप बोलता वो नाम का स्विच के प्रेस करके हाँ दबाइए, फर्स्ट में वन आएगा, उसके बाद में ये आम बोला ये पैरामीटर रेगुलेटर है न्यूमेरिकल के, घुमाइए जो देता है वही के घूमेगा, उसके बाद में सिलेक्ट कीजिए कोई पॉइंट आएगा, उसके बाद में फिर से घुमाइए कितना ग्राम का, उसके बाद में स्टार्ट। कोई यार लास्ट टाइम में जो चेंज नहीं होगा वो टाइम में आप समझता है और कुछ नहीं है, और कोई पैरामीटर नहीं है, इसलिए आपका स्टार्ट करने के लिए बोल दिया। ये ऑटोमेटिक लॉजिक है, जैसे हम कंप्यूटर यूज करते हैं मोबाइल यूज करते हैं, हम समझ पाते हैं वो तो कमांड देता ही है ऑल टाइम, ये भी तो सॉफ्टवेयर सिस्टम है अंदर में, ठीक है। नेक्स्ट, सिर्फ इसका अंदर में एक तो वो ब्लूटूथ कनेक्शन नहीं है, नहीं होगा तो आपका मोबाइल में ऑपरेट सेम हो जाता। यस, तो आपके देखिए ब्लूटूथ जिसका साथ में कनेक्टेड है उसमें तो वो ऑटोमेटिक होगा है कि नहीं, आप ब्लूटूथ वाला रहता है क्या माइक्रोवेव? अभी नहीं आ रहा है, आएगा, वॉशिंग मशीन आ गया, फ्रिज आ रहा है, ये भी आ जाएगा, ये कोरोना के लिए सब रुका दिया, हमको सब ट्रेनिंग हो गया, अच्छा सब आ जाएगा, 2 साल रुका दिया, क्या करेगा, वो टेस्ट होगा उसका नहीं बाद में आएगा, हमारा तो ट्रेनिंग होगा दिल्ली से, हम गया का ट्रेनिंग ले लिया मुंबई में, किसका ये प्लास्टिक है, ये तो दाग फाग ये सब कुछ है ना, ये हम वो सब आपका वो स्टिकर ये सिलिटिव में लिखा लगा ना सिलिटिव आठ आवाज किससे होगा? हाँ पता था मैडम एक मिनट, अच्छा सर ये आपका जो 6 का जो बोला इसके लिए कोई कंफ्यूजन लगता नहीं? इसमें रोटी नान और अभी जो नाम है उसका अंडर में सब कुछ लिखा है, अभी देखिए रोटी नान का एक ऑप्शन है, देखिए किधर में लिखा है, देखिए इधर में क्या लगा है रोटी नान, एक नंबर में रोटी, 2 नंबर में नान है ना, तो वो रोटी नान का स्विच जिधर है वो भी प्रेस करके बनाइए हो जाएगा, नान भी अच्छा होता नहीं, यहाँ से प्रेस करके तो बन सकता ना, यही तो अलग से बटन भी दिया हुआ है, यही तो बोला देखिए रोटी नान का स्विच है तो दोनों इधर में ये देखिए, एक नंबर में रोटी, अभी मान लो नान चाहिए, 2 नंबर घुमा दिया सिलेक्ट, सिलेक्ट के बाद में और कोई चेंज नहीं होता, देखिए ऑटो लिख दिया है कि नहीं, उसके बाद में स्टार्ट, ये हीट में आएगा ये बनेगा, पहले वो ये पी हीट होगा उसको बाद में फिर से घुसाना पड़ेगा, ये पहले फर्स्ट टाइम का पी हीट जो टाइम में होगा अंदर में कुछ सामान मत रखिए, वो सिर्फ टर्न टेबल रहेगा, वो आपका रोटी बेल के रख देना चाहिए, उसके बाद में घुसा दीजिए, उसके बाद में बन जाएगा, ठीक है। ये सब 1-2 दिन थोड़ा वीडियो देख लीजिए, चेक कर लीजिए, आप समझ पाएंगे, बता देंगे मैडम बता दें, क्लियर इसमें क्लियर है? अच्छा नेक्स्ट अभी देखिए, और ये वाला एक लास्ट में बोलना चाहते हैं, ये देखिए ये प्रेस कीजिए आप समझ जाएगा कौन है, बोलिए वो कौन है, कॉम्बी, देखिए कॉम्बी मतलब कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन एक नंबर, कॉम्बिनेशन में क्या क्या पिक्चर है, सबका लोगो के दे देता, आपका लोगो ब्रांड के लिए सब कुछ देखता ना, क्या क्या पिक्चर है बोलिए, माइक्रोवेव का है, ग्रिल का है, वेरी गुड। नेक्स्ट अभी मान लो कॉम्बी 1 है, तो थोड़ा रेगुलेटिंग कर लीजिए, कर दीजिए समझ पाएंगे। अभी CB2 देखिए, ये भी चेंज हो गया, क्या माइक्रोवेव है और ग्रिल नहीं, चेक करें ठीक से बोलिए क्या क्या है कॉम्बी 2 में, माइक्रोवेव बाद में है, माइक्रोवेव तो है ही, हाँ तो पहले और शुरुआत वाला क्या है, ये वाला, ये तो 3 पिक्चर है, 1-2-3 इसका ही कॉम्बिनेशन होता, कन्वेंशन और माइक्रोवेव, तो कॉन्वेक्शन है और माइक्रोवेव है। अभी मान लो कोई खाना ये CB2 में बनाना चाहिए, अब जो टाइम में नॉलेज गैदर होगा तो आप समझ जाएगा फटाफट कौन ऑप्शन में देना चाहिए, 2 एक साथ भी चलेगा, और ये तो सिंगल होगा, ये कॉम्बी मतलब 2 चलेगा एक साथ भी, तो आपका ये खाना का टेस्ट अलग होगा, कैसे होता है। अभी मान लो CB2 चाहिए, वो भी CB2 आ गया, उसके बाद में सिलेक्ट अपने हाथ में कुछ कर लीजिए CB2, अभी देखिए वाटेज आए, अभी मान लो वाटेज थोड़ा डाउन करना चाहिए, मान लो वाटेज सिलेक्ट, उसके बाद में सेल्सियस है, अभी मान लो सेल्सियस थोड़ा बढ़ाना चाहिए 190 सिलेक्ट, उसके बाद में 0 जो टाइम आएगा, हम बोला टाइम देने के लिए कितना टाइम लगेगा, अभी मान लो वो टाइम देख के आपका हिसाब से दे दीजिए, देने के बाद में फिर से स्टार्ट कर दीजिए, वो 2 प्रोग्राम चलेगा, खाना का टेस्ट होगा अलग। ये सब यूज करने के लिए सर आपका पहले वीडियो देख के थोड़ा दे के 1-2 दिन गलत होगा, उसके बाद में समझ जाएगा, बोलता दो खाना नहीं, 2 प्रोग्राम चलता है एक साथ भी, 2 प्रोग्राम एक साथ भी। अभी कोई खाना के लिए अभी मान लो रोस्टिंग भी चाहिए
और आपका बॉयलिंग भी चाहिए। हाँ। अभी कोई खाना का ब्रेकिंग भी चाहिए, बॉयलिंग भी चाहिए, तो दोनों एक साथ भी, वो पहले बॉयल बनता उसके बाद में वो रस्टिंग करेगा, ऐसे ऐसे होगा, वो हिसाब से बन जाएगा। लेकिन आपका ये पूरा साइंटिफिक है, पहले वीडियो में आपका नॉलेज ले लीजिए, उसके बाद में थोड़ा धीरे धीरे ट्राई कीजिए, ट्राई करने के बाद में आप सीख जाएंगे। खाना बनाओ तो उसमें तो ट्राई वराई करने के बाद नहीं है, जैसे पानी वानी दे दिया, मसाला वसाला दे दिया, उसमें बॉयल होकर सूख गया, जैसे उसे रोस्ट टिप देना, क्या वही होगा क्या? हाँ, वो सब एक दो दिन, हाँ वैसे ही बनता सब कुछ। देखिए सर, और बात है थोड़ा, अच्छा ये तो सब स्विच का बता दिया, अच्छा ये देखिए इंस्ट्रूमेंट के लिए, ये तो हम बोला जो ग्रिल के लिए, सर इधर में फोकस कर नेक्स्ट। इसके बाद में देखिए ये है सीख कबाब के लिए। अभी मान लो कोई सीख के कोई खाना बनाना चाहिए, तो ये वाला पहले ये, और ये थाला के ऊपर में दीजिए, इसलिए क्या सुविधा होगा, कोई झोल मोल गिरेगा इसका ऊपर में गिर